हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए और आप सबको ये रेसिपी जो है बहुत पसंद आती होगी और आई होप कि आप सबने बनाया भी होगा। लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो रेसिपी जो है होली में खासकर ये एकदम कंपल्सरी लोग हर घर में बनता है, क्योंकि मुझे ये बचपन में याद है कि मम्मी बहुत सारे जो है दही बड़े जो है बनाती थी। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो दही बड़े की नहीं, दही भल्ले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि दही भल्ला और दही बड़ा तो सेम ही होता है। जी नहीं, मैं इन्ग्रीडियंट्स जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दही बड़े के और जो दही भल्ले के इन्ग्रीडियंट्स जो भी सामान लगता है वो सेम होते हैं, लेकिन दोनों का बनाने का तरीका और दोनों का टेस्ट भी काफ़ी अलग होता है। क्योंकि दही भल्ले में जो स्मोकी फ्लेवर जो आता है, एक तैयार होता है धुएं वाला पानी, उसके अंदर जब वो दही भल्ले में जाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो दही बड़े से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे दही भल्ले की रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं दही भल्ले की रेसिपी। दो कप जो है दाल ले रखा है, ये उड़द दाल है और इसको सोख करके रखने के बाद ये इस तरह से होता है। तो आप दाल में कभी कंफ्यूज मत होना, तो इसे जो है उड़द दाल बोलते हैं। ये इस तरह का व्हाइट देखता है जिससे हम बड़े वगैरह बनाते हैं और ये इडली डोसा में जो दाल हम यूज करते हैं ये वही दाल है। तो यहाँ पे मैंने सोख करके रख लिया, तो इसे जो है हम पहले इसका जो हम पेस्ट एक बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। दाल को हमने इस तरह से पीस लिया है इसको। अब जो है यहाँ पे दो हरी मिर्च है और अदरक है, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं आप, इस तरह से इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ज्यादा अगर थिक गाढ़ा रहेगा तो आपके जो बड़े बनेंगे वो हार्ड बनेंगे, और अगर ज्यादा गीला हो जाएगा तो वो तेल भी बहुत ज्यादा पिएगा और जरूरत से ज्यादा वो सॉफ्ट हो जाएगा, और तेल तो बहुत ज्यादा उसमें फिर वो सोख लेगा। तो इस तरह से जो है अभी के दाल ज्यादा फेंटने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत अब चेंज हो गया। काफी पहले के दाल तो काफी देर सोख भी करना रहता था और फेंटना भी, अभी तो 3-4 घंटे में दाल भी अच्छे से सोख हो जाते हैं और ज्यादा फेंटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से जो है हमें दाल को अच्छे से फेंटना है ताकि इसके अंदर जो है पूरी तरह से एयर जो भर जाए। देखिए ज्यादा गीला भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है, बिल्कुल इसे फदफद टाइप की आवाज आनी चाहिए। और मैं बता दूंगी कि आपका दाल जो है तैयार हो गया है या नहीं बड़े के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वो पता करते हैं। इसको इस तरह से हाथों से प्रॉपर ही फिटता है, अगर हाथ का आप यूज नहीं करना चाहते तो चम्मच से जो है एक ही डायरेक्शन में जो है आपको इस तरह से फिटना है। और देखिए फिटते फिटते जो इसका कलर भी थोड़ा है और लाइट हो गया है और फ्लफी हो गया, देखिए पूरा इसके अंदर जो है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में जो है। तो ये हो गया 5 से 7 मिनट, हमने इसे अच्छे से फेंट लिया। तो यहाँ पे जो है ये नमक है 1/2 टीस्पून, तो इसमें हम नमक डालेंगे और यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक का जो हमने पेस्ट रखा था वो डाल देंगे, और ये जीरा है 1/2 चम्मच, वो जीरा डालेंगे और इन सारी चीजों को जो है मिक्स कर लेंगे। के लिए हमारा बैटर तैयार हुआ है कि नहीं इसको टेस्ट करने के लिए आप जो ग्लास में है पानी लेंगे और इसमें इस तरह से इसे डालेंगे। देखिए अपने आप जो है ये ऊपर तैर रहा है, तो इस तरह से जो है इसका मतलब कि हमारा जो बैटर है दही भल्ले वाला वो बिल्कुल तैयार है, बढ़िया हो गया है। ये जो है यहाँ पे गर्म हो चुका है, लेकिन तेल ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से डाल के हम देख लेते हैं, क्योंकि तेल अगर ज्यादा गर्म रहेगा तो जो है वो बड़े जो है वो जल्दी जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से करके हम जो है हाथों से एक एक करके जो है बड़े डालते जाएंगे। अपने आप जो है दूसरे बड़े जो है पलट जा रहे हैं, अभी इसकी बारी है। तो कितने अच्छे से तैयार हुआ है, अपने आप जो है ये दूसरी साइड भी आराम से ये, इसलिए बिल्कुल ज्यादा पूरा बड़ा नहीं भर देना, नहीं तो इससे क्या होगा कि ये इसको जगह नहीं मिलेगा अच्छे से तैरने के लिए। इसे मीडियम आंच पे जो है चारों तरफ से ये सीखना चाहिए, चारों तरफ से पकना चाहिए। और ये पक चुका है या नहीं, तैयार हो चुका नहीं, तो इसके लिए आपको एक टूथपिक लेना है और इसके इस तरह से डाल के देखना है। अगर क्लियर आता है तो इसका मतलब जो है हमारा दही भल्ले का जो ये भल्ला है बिल्कुल तैयार है।
तो अब जो है ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है और बिल्कुल देखिए आपको नजदीक से दिखा रहे हैं कि कितना बढ़िया जो है इसका कलर और टेक्सचर जो है आया है। तो इस तरह से अब जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब जो है हम इसे निकाल लेंगे। सारे जो है देखिए हमने अच्छे से इस तरह से बना लिए हैं, बिल्कुल भले हमारे तैयार हैं। और देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना जो ये जालीदार और कितना बढ़िया जो है ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। तो इस तरह से इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे एक पॉट लेंगे और इसके अंदर जो है हम सारे भले जो है इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से। और यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है कि अब जो है ये पहले हमने सारे भल्लों को तल लिया है, उसके बाद से जो है ये गर्म पानी है, बिल्कुल हल्का गर्म है, ल्यूक वार्म है, तो इसको जो है इसके अंदर डालेंगे और सारे भल्लों को जो है इसके अंदर जो है इस तरह से अभी हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। पानी पी रहा है सोख उसमें, तब तक जो है हम दही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे घर का ही जमाया हुआ दही है, उसे जो हम छान लेंगे। और यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है चीनी है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको जस्ट मिक्स करके ऐसे ही और इसी को अब इस तरह से मिक्स करके हम जो है फ्रीज में रख देते हैं। एक दूसरा बर्तन लेंगे और हमने जो ये भला को पानी में डुबा कर रखा था, तो देखिए इसका कलर जो है अब बिल्कुल और व्हाइट जैसा हो रहा है। तो अब जो है हम इस तरह से लेंगे और इसका बिल्कुल जो है ये बिल्कुल तेल वाला पानी जो है बिल्कुल देखिए इसमें तेल जैसा दिख रहा है, वो पूरा हम छान के निकाल लेंगे इस तरह से। इस पानी को जो है तेल वाला पानी जो है हम फेंक देंगे और दोबारा जो हमने ये गर्म पानी हल्का रखा है, बिल्कुल बिल्कुल हल्का गर्म है, फिर से उसको हम इसमें डाल देंगे। इसका मेन जो है अब दही भल्ले का जो मसाला होता है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, तो वो कैसे तैयार करेंगे, तो यहाँ पे है जीरा ले लेंगे और जीरे के अंदर ये अजवाइन है, ये जीरा 1 टीस्पून है, तो ये आधा टीस्पून अजवाइन है, तो इसको जो है हम भून लेंगे। तो पूरा पानी पी चुका है, तो और देखिए इसका जो है दूसरा प्रोसेस फिर से वही कर रहा है कि जितना ऑयली जो है ऊपर से पूरा ऑयल जो है इसका इसमें थोड़ा सा भी ऑयल नहीं जाता है, ये पूरा पानी जो हम निकाल लेंगे और बिल्कुल देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुका है। देखिए इसका मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो दही भल्ले का जो है बिल्कुल बनाने का तरीका और उसका टेस्ट चेंज कर देता है। धुएं वाला पानी हम कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसके अंदर जो है हम नॉर्मल पानी डाल रहे हैं और इसके अंदर जो ये भुना हुआ जीरा है उसको मैंने पीस दिया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये थोड़ा सा काला नमक है वो इसके अंदर डाल देंगे और ये जो दही भल्ले हैं इसके जो है ये थोड़े थोड़े पानी जो है हम हल्के हल्के निकाल लेंगे, दबा के थोड़े 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 जो पानी निकालेंगे और सारे दही भल्ले को इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से ये जो है चारकोल को जो है इसके अंदर डाल देंगे और ये थोड़ा सा जो है हम हींग डाल देंगे ताकि अच्छे से जो है धुआं बने, थोड़ा सा घी। ये देखिए धुआं अभी भी इसमें धुआं है, तो इसको निकाल लेते हैं और दही भल्ले को कैसे सर्व करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूंगी। ऐसे जो है दही भल्ले को हम लगा लेंगे और इसके ऊपर जो है दही जो ये है इसके अंदर चीनी जो हमने डाला था वो पूरी अच्छी तरह से जो है मेल्ट हो चुका है,
जो है इस तरह से। और ये इमली की चटनी फ्रेंड्स जो है इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है, तो आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट जो है इमली की चटनी मैंने तैयार की थी, इसकी रेसिपी जो है आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अब जो है हम थोड़े से और इसमें अब डालेंगे ये हरी चटनी, धनिया की हरी चटनी। और ये हमने जो मसाले जो दही भल्ला के लिए तैयार किया था वो मसाले जो है हम इसके ऊपर डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल आपको नजदीक से दिखाऊंगी कि कितना प्रॉपर जो है ये दही भल्ला जो है बनके तैयार हो गया और कितना सॉफ्ट ये बना है। मैंने आपको पहले भी इसको दिखाया कितना बढ़िया से बना है। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।